रितेश ने खोला अक्की के परफेक्शन का राज। जी हाँ, अक्की ने रखा था एक चैलेंज और उसका नाम था बॉटल कप चैलेंज। अब क्योंकि अक्षय कुमार खुद खतरों के खिलाड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके फैंस उन्हें फॉलो भी करते हैं और उन्हें कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। दरअसल हॉलीवुड स्टार जैसन स्टैथम ने बॉटल कप चैलेंज की शुरुआत की थी। जैसन का एक कारनामा देखकर अक्षय कुमार भी खुद को नहीं रोक पाए थे और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि एक्शन तो अक्की की लाइफ लाइन है। तो जैसे ही खिलाड़ी कुमार ने बॉटल कप चैलेंज को पूरा किया, तब से पूरे इंडिया में ये चैलेंज काफी फेमस हो गया। इंटरनेट पर हर कोई इस चैलेंज को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक्टर रितेश देशमुख ने अक्षय कुमार के इस वीडियो के बारे में चौंका देने वाला खुलासा कर दिया। रितेश देशमुख की माने तो वीडियो में नजर आ रही है शख्स अक्षय कुमार नहीं है, बल्कि वो रितेश देशमुख है, जिन्होंने अक्की का मास्क लगाकर ये स्टंट करके दिखाया है। ऐसे में अक्षय कुमार के बाद अब रितेश देशमुख इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले दूसरे एक्टर बन गए हैं। रितेश देशमुख ने अक्षय की बॉटल कप चैलेंज वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है, मैं इससे ज्यादा बेहतर नहीं कर सकता, मैंने अक्षय कुमार का मास्क लगाकर बॉटल कप चैलेंज पूरा कर लिया, अब भला ये कैसे हो सकता है। पर आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये माजरा क्या है। दरअसल रितेश ने अक्षय कुमार को मजाक में छेड़ते हुए ऐसा कहा है। यही नहीं, रितेश ने तो ये भी कह दिया कि सावधान रहिए, हो सकता है अक्षय इस वीडियो को अपना बता दे। एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाऊंगा। वैसे मेरा अगला चैलेंज है कि मैं टाइगर श्रॉफ का मास्क लगाकर इस चैलेंज को पूरा करूं। जल्द ही आपको इसकी वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। ऐसे में यह तो साफ है कि मजाक मजाक में रितेश ने टाइगर को भी बॉटल कप चैलेंज दे दिया। टाइगर का तो पता नहीं, लेकिन अक्षय ने अभी तक रितेश की इस शैतानी का कोई भी जवाब नहीं दिया। इन वीडियोस को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बॉटल कप चैलेंज का खुमार अब सितारों के सर चढ़कर बोलने लगा है।